ओम साई राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा आज का विषय है अवसाद यानी डिप्रेशन। एक साई भक्त हूँ, मेरा नाम प्रदीप आहूजा, भजन गायक हूँ और कुछ अपने गुरु की कृपा से यानी बाबा की कृपा से जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू जिससे जिंदगी की सही राह और दिशा आसान होती है, सही मंजिल मिलती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरा आज का विषय है अवसाद यानी डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन के कुछ लक्षण कैसे होते हैं मैं आपको पहले वो बताता हूँ। धीरे धीरे निराशा हमारे जीवन में आने शुरू हो जाती है। अब अवसाद किस कारण से हुआ ये कई बार थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो लक्षण आने शुरू होते हैं इससे पता चलता है कि हम किसी अवसाद के शिकार हो रहे हैं। तो जब ऐसा हो शुरू तो आपको अपने आप को जांचना है, देखना है कि क्या ये ऐसा हो रहा है, तो इसके निदान में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, निराशा, उदासीनता, मन उदास सा होना शुरू हो जाता है, आत्मविश्वास की कमी होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हम अकेले रहें, भीड़ से अलग कुछ अकेले यानी एकांत में चले जाएं, कुछ करने का खास मन नहीं करता, विषयों में रुचि नहीं रहती और एक डर पनपने लगता है। अब उस डर के लिए कोई विशेषता ऐसा नहीं कहूंगा, किसी भी चीज से डर लग सकता है, आपको ड्राइविंग से डर लग सकता है, लोगों से डर लग सकता है, जानवर से, किसी भी ऐसी चीज से, और दो चीजों से भी, तीन चीजों से भी, ऐसा नहीं कि केवल एक चीज से। आगे बढ़ते बढ़ते स्थिति गंभीर होने लगती है, हमारा मन उचाट हो जाता है, हमारी नींद न जाने कहां चली जाती है, कब नींद आएगी पता नहीं, और हो सकता है हम सोते रह जाएं, कुछ अनुशासन नहीं रहता और एक जिंदगी कुछ एक अलग से पड़ाव पे चले जाती है। दिमाग में घुटन सी होने शुरू हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है, और सारी चीजें अगर मैं कहूं तो अगर आकलन करें तो एक डर में परिवर्तित हो जाती है, यानी नकारात्मक ऊर्जा घर करने लगती है। इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपकी स्थिति और गंभीर होती जाएगी, आप संपर्क करेंगे डॉक्टर से, तमाम दवाइयां शुरू हो जाएंगी, जैसे कि सब लोग डॉक्टर लोग इसको ट्रीट करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि विशेषता योगदान है ही डॉक्टर्स का भी। दोस्तों, इसमें हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं हमारे खुदा, आप जिसको भी मानते हैं, जिसको भी अपना ईश मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, गुरु मानते हैं, आपको विद्रोह करके उनकी शरण में जाना है। मन उचाट होगा कि नकारात्मक ऊर्जा काफी प्रभावित करती है। आपने तत्काल प्रभाव से जब आप ऐसे लक्षण के शिकार हो रहे हैं तो आपको तुरंत ही जान लेना चाहिए कि अब मुझे इसका निदान करना है। आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको लगता है कि उससे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, बात करो। आप अपने मन की बात करो, बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। और इसके अलावा
अब आपके दिमाग को, यानी जहां डर सब दिमाग के अंदर ही होता है, वो देवी शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति आपको इस परेशानी से जल्द निकाल सकती है। दोस्तों, आपको सही दिशा में ले आएगी ताकत, साईं शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। रोजाना आपको सुबह और शाम नियम से, सुबह आप कोशिश कीजिए कि आपको प्राणायाम करना है, आपको योग करना है, मेडिटेशन करना है, कोई भी एक संकल्प लेना है कि मुझे ये काम करना ही, यानी आप हो सके तो दिन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस चीज से बरी हो जाएंगे। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं अच्छे से, अगर आपको मेडिटेशन जाननी है तो आप मेरे नीचे संपर्क है, नंबर भी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं कि कैसे योग को अपना सकते हैं, यानी मेडिटेशन को अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है मेडिटेशन, इससे कई रोग खत्म हो जाते हैं। आपको भक्ति मार्ग और ये योग मार्ग दोनों से आप अपनी इस बीमारी का अंत कर सकते हैं। यानी सबसे बड़े दोस्त आप खुद हुए अपने, सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद हुए अपने, कि आपने इस मार्ग को चुना और आप ठीक होंगे, जरूर होंगे। 7 दफा हनुमान चालीसा का पाठ दिन में आप करें तो आप देखिए, आपको दिन प्रतिदिन आपकी प्रगति होगी, यानी आप ठीक होना शुरू होंगे। योग यानी मेडिटेशन आपको सुबह शाम करना है, पर्पजली कम से कम 15 मिनट आपको बैठना है, जबकि हमारी एक सिटिंग 40 मिनट की होनी चाहिए मेडिटेशन की, लेकिन आप शुरुआत कीजिए 15 मिनट से। बैठना है आपको, ओम ध्वनि कहीं से आपको मोबाइल में मिल जाए, आपके लैपटॉप में मिल जाए, तो आप ओम ध्वनि अपने घर में लगाइए। सुबह सुबह उठते ही कोई न्यूज चैनल किसी भी तरह का नकारात्मक मत देखिए, जो कि नकारात्मक आपको संदेश दे रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति, उससे बात मत कीजिए जो आपको, जिससे डर लगता है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तो आपको अपना निदान करना है। आप अपना सुबह उठते ही नियम बनाइए, घर में सुंदर से भजन जो आपको बहुत आत्मा को सुकून दे रहे हैं वो आपको चलाना ही है घर में। मैं एक भजन गायक हूं और मैं भी इसी तरह के भजन गाता हूं जिससे कि दिमाग को सुकून मिले, अनुभूति हो ईश्वर की और हमें ईश्वरीय शरण मिले। ये हुआ। आपको दिमागी आराम की जरूरत पड़ेगी और वो इसी से मिलेगा। दिन में 2 दफा आपको या तो कोई पाठ का संकल्प करें, 8 माला चारों पहर की, 2 2 माला आपने करनी है, यानी कुछ भी, आप पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या हरे कृष्णा राम जी का कोई भी जाप कर सकते हैं, जय श्री राम, ओम साई राम, ये जो भी चीजें हैं इनको आपने माला के हिसाब से, यानी 8 माला आपको दिन में करनी है। अपने गुरु, अपने ईष्ट के, जो आपके पास घर में मूर्ति है, कोई सुंदर स्वरूप है, चित्र है, आपको उनको देखना है और एक संकल्प लेते हुए कि अब मैं अपने गुरु की शरण में हूं, अब मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो गया हूं, ऐसा भी अफर्मेशन यानी बोलना है। एक और सुंदर चीज, एक और प्रभावी चीज मैं आपको बताता हूं कि जो बाबा के भक्त हैं उनको मालूम होगा कि बाबा की विभूति यानी उदी बहुत ही कारगर है। ये संजीवनी औषधि है। आप सुबह उठते ही जब नहाए धोएं, समय से नहाइए, कोशिश कीजिए समय का पालन करना। मैं जानता हूं कि इस अवस्था में बड़ी उदासीनता होती है, निराशाएं भी होती हैं, लेकिन आपको अपने से विद्रोह करके ही करना है। आप यकीन माने कि आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपको दावे से बोल रहा हूं। दुआ और दवा दोनों चलेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। आपको सुबह सुबह उठना है, स्नान आदि करने के बाद, नहाने धोने के बाद बैठना है आपको, अपना पाठ कीजिए,
माला कीजिए और ध्यान योग कीजिए। साथ में जिस वक्त आप शुरू कर रहे हैं इसको, एक ग्लास पानी में बाबा की उदी डालनी है 3 चुटके, और उसको ब्लेस करवाना है। बाबा से बोलना है कि इस उदी के द्वारा मेरे शरीर में जो भी मानसिक रोग या शारीरिक रोग है, तो हे ईश्वर, हे साईं, मुझे ठीक कर दीजिए और मैं ठीक होऊंगा। आप निश्चित ठीक होंगे। वो गिलास में उदी वाला पानी आपने अपने ध्यान जाप के बाद उसे पीना है, ब्लेस करके। आपको ये विभूति 3 दफा लगानी है, 3 जगह, माथे पर, जीवा पे यानी जीभ पर, और गले पे। ये आपको सहायता देगी, ये आपको ठीक करेगी। दोस्तों, संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी है, और वो ईश्वर शक्ति वो आपको इस दुख से, इस परेशानी से दूर ले जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे, यकीन मानिए। इसलिए मैं आपसे फिर कहूंगा कि अपने जीवन में आपके पास सभी चीजें हैं, पैसा, यश, दौलत, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन पीस ऑफ माइंड, एक मानसिक शांति, ये आपको केवल ईश्वर की आराधना से और योग से मिलेगी। आप निरोगी हो जाएंगे सदा सदा के लिए। नमस्कार। मैं फिर से कुछ वीडियोस लाऊंगा इस विषय में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ और विषय भी, बाबा के बारे में और कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स लेकर मैं आता रहूंगा। नमस्कार। जय हिंद। ओम साई राम।